नमस्कार साथियों, हमारे शुभम एकेडमी के एजुकेशनल चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखते हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट को इंसर्ट करना। ये काफ़ी उपयोगी ऑप्शंस हैं और कई बार यूज़र को कहीं ना कहीं इनके बारे में जब डिटेल्स नहीं मालूम होता है तो कहीं ना कहीं वो इन फीचर्स का यूज़ नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट की यदि हम बात करें तो जिस प्रकार बुक में आप इंडेक्स का यूज़ करते हैं, इंडेक्स से ये होता है कि किस पेज पर कौन सा डेटा है वो हम इंडेक्स क्रम में देख लेते हैं और सीधे उस पेज पर पहुंच जाते हैं। सेम यदि एमएस वर्ड के अंतर्गत कोई आप फाइल या डेटा तैयार कर रहे हैं और फाइल के अंतर्गत पेजेस की संख्या ज़्यादा मात्रा में, माना कि 100, 150, 200, 500, 1000 पेजेस का आपका डेटा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा डेटा किस पेजेस पर है उसको सर्च करने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर दें, या फिर हम एमएस वर्ड के अंतर्गत कोई हमारी बुक क्रिएट कर रहे हैं और बुक का प्रिंटिंग होना है, नोट्स प्रिंट होना है, तो हम चाहते हैं कि उसी समय वो प्रिंट भी हो जाए और ऑटो अपडेट कर ले कि किस पेज पर कौन सा डेटा है, ये खुद एमएस वर्ड तय करे। हम यदि सेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले हम पेजेस का डेटा दे देते हैं कि किस पेज पर कौन सा डेटा है। माना कि हमारा चैप्टर वन, मैं C1 नाम से देता हूँ कि चैप्टर वन है हमारा ये, और ये चैप्टर वन फर्स्ट पेज पर है। इसी प्रकार हम चैप्टर टू, यहीं से दूसरा स्टार्ट हो गया तो हमने दे दिया C2। इस प्रकार से हम अलग अलग चैप्टर को यहाँ पर असाइन कर देते हैं। ये चैप्टर टू हो गया और हम आगे बढ़ जाते हैं। चाहे तो आप ऐसे इंसर्ट भी कर, ऐसे भी आगे एंटर करके भी बढ़ सकते हैं। अभी हम समझने के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर हमने थर्ड ले लिया, चलिए ठीक है। अब क्या करना है आपको कि इसको सिलेक्ट करके और होम के अंतर्गत आपको ऑप्शन मिलेगा हेडिंग्स, इन्हें आपको लागू करना है हेडिंग्स। यदि आप नॉर्मल डेटा में लेंगे तो वो अपडेट नहीं करता टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट को जब आप जाते हैं, चलिए हम एक बार टेबल ऑफ कंटेंट को देख लेते हैं रेफरेंस के अंतर्गत। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट को करते हैं तो यहाँ पर ये हेडिंग्स लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग्स। तो हेडिंग के रूप में आपको डेटा को फॉर्मेटिंग कर लेना है, यानी होम के अंतर्गत ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग है, तो हम डेटा की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब डेटा की फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करना है। इसके लिए रेफरेंस मेन्यू में जाना है, ये 2007 और इससे हायर वर्जन में है, तो इससे जो भी नए वर्जनस आए हैं 7 के बाद के, 2003 के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट तो है लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट का शेड्यूल मेन्यू के अंतर्गत अलग तरीके से दे रखा है, उसमें रेफरेंस मेन्यू नहीं है, इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत असाइन करना होगा। तो अभी हम 2007 और उसके आगे वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको रेफरेंस मिलेगा, रेफरेंस के अंतर्गत आपको टेबल ऑफ कंटेंट पर जाना है। तो यहाँ पर आप टेबल एंड कंटेंट का ऑटोमेटिक या कंटेंट्स ऑटोमेटिक टेबल वन, टेबल टू, जो भी फॉर्मेट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है और ये बता रहा है कि चैप्टर वन आपका किस पेज पर है, तो पेज नंबर 1 पर है। चैप्टर 2 भी पेज नंबर 1 पर है लेकिन चैप्टर 3 यहाँ पर पेज नंबर 2 पर है। अब यदि कोई डेटा असाइन होता है, माना कि हमने निर्धारित कर दिया फॉर्मेट, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट जो हेडिंग्स आपने लिए, चाहे तो आप इस कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पर भी आपको ले जाना चाहें, माना कि हमारा चैप्टर थर्ड जो है, थर्ड ना होते यहाँ पर फोर्थ है और पीछे आगे पीछे का क्रम हो सकता है, इसलिए हमने आपको फोर्थ पहले दिया है। ऐसे तो सीरियल क्रम में थर्ड चैप्टर पहले आता है फिर फोर्थ चैप्टर आता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर माना कि हो सकता है कि चैप्टर थर्ड हो, ये हमने असाइन किया। अब यहाँ पर असाइन करने के बाद आप, हम वापस चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पर। यहाँ पर चैप्टर अभी नहीं दर्शा रहा है फोर्थ, तो आपको क्या करना है, इसको अपडेट करना है टेबल को। इसमें अपडेट एंट्री टेबल लेवल पर या नंबरिंग ओनली, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर है, तो अपडेट एंट्री टेबल को हम यहाँ पर असाइन करते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये बता रहा है, ये इससे इसको कोई डिफरेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चैप्टर 1, 2, 3 आना चाहिए। यहाँ पर बता रहा है चैप्टर 1 पेज नंबर 2 पर है, चैप्टर 2 पेज नंबर 2 पर है, चैप्टर 4 जो है कि पेज नंबर 3 पर,
और चैप्टर थर्ड यहाँ पर फोर पर है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हमने किया था। तो ये देख पा रहे हैं आप कि जो कॉपी किया था, दो बार हमने कॉपी कर दिया था, वो भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। और ये प्रत्येक चैप्टर, यदि चैप्टर का नाम यहाँ पर आपने असाइन किया होगा तो उनका नाम भी बता देगा कि ये चैप्टर इस पेज पर है। तो एक अच्छा फीचर्स है टेबल ऑफ कंटेंट। इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट में, बड़े डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत इन्हें असाइन कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ तक विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर पसंद वाली बात कम की जाती है, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं समझ आया होगा ताकि आप इसका यूज़ कर सकें। चलिए अगला ऑप्शन हम देखते हैं, इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट का प्रयोग खासतौर पर तब किया जाता है जब हमारा कंटेंट या डेटा पूरा ख़त्म हो गया हो। तो हम यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट को क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन खींच करके देगा और फुटनोट में उससे रिलेटेड एंड नोट भी लिख सकते हैं, या फुटनोट पैराग्राफ ख़त्म होता है तो फुटनोट होता है, और जब पूरा डेटा कंटेंट ख़त्म होता है तो एंड नोट होता है। तो हमारा माना कि द एंड अभी हम फिलहाल के लिए लिख देते हैं, हमारा डेटा या कंटेंट ख़त्म हो चुका है तो लाइन आप के अंतर्गत ये जो है कि फुटनोट इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप फुटनोट को इंसर्ट कर सकते हैं। और फुटनोट के अंतर्गत जरूरी होगा कि दाइन लिखा जाए, डेट हो चुका है, सिग्नेचर हो गया यार, केयरफुल, या और कोई विशेष नोट हमें जब असाइन करना हो तब हम फुटनोट का प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से फुटनोट भी असाइन कर सकते हैं, इंसर्ट एंड नोट से भी हम यहाँ पे, ये एंड नोट है, ये फुटनोट है, दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से आप असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फुटनोट आपको असाइन करना है तो नेक्स्ट ऑप्शन है, और सो फुटनोट से आप फुटनोट देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जब व्यू करेंगे आप बोल रहा है व्यू फुटनोट एरिया या एंड नोट एरिया। एंड नोट लास्ट में जाता है जब आपका पूरा कंटेंट ख़त्म हो चुका हो, फुटनोट प्रत्येक पेज के जिस पेज पर हम काम कर रहे हैं उसके एंड में जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने समझा किस प्रकार से रेफरेंस के अंतर्गत हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम इंसर्ट कर सकते हैं फुटनोट, और किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं हम एंड नोट। इसके बाद हम आगे के ऑप्शन से देखेंगे। यू एमएस वर्ड के प्रत्येक ऑप्शन को अभी तक हमने देखा है, जिसके अंतर होम मेन्यू को समझा, इंसर्ट को समझा, पेज लेआउट के सारे ऑप्शन समझे। अब हम रेफरेंस पर बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उपयोगी है, अधिकतर वर्क करते समय हमें यूज़ होते हैं। तो और कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि हमें नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। एमएस वर्ड में काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके फीचर्स के साथ में काम करना ये बड़ी बात होती है और बहुत ज़रूरी भी होता है। चलिए तो ये आपको यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको अपने जो है कि होम पर प्राप्त हो सकें। अभी हम अपने अगले वीडियोस कंटिन्यू करने वाले हैं, काफ़ी दिनों से हमने अपने वीडियोस यहाँ पर ऐड नहीं किए थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको फिर से कंटिन्यू व्यू में लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।